भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत आज से हुई है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मैच खेला गया। आपको बता दें कि ये मैच ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला। वहीं बता दें कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 रनों से जीत लिया। जी हाँ, ये मैच भारतीय टीम को 4 रनों से हारना पड़ा। बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन वहीं अगर बल्लेबाजी की बात करी जाए तो बल्लेबाजी यहां पे भारतीय टीम की खली। बता दें कि इस बार भारतीय टीम का बल्ला बिल्कुल ही नहीं चला। वहीं अगर हम बल्लेबाजी की बात करी जाए तो बल्लेबाजी में यहां पर आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का बल्ला इस बार नहीं चला, उन्होंने महज 8 बॉलों में 7 रन बनाए। वहीं अगर शिखर धवन की बात करी जाए तो शिखर धवन ने 76 रनों की शानदार पारी खेली। आपको बता दें कि केएल राहुल इस बार भी अपने बल्ले से प्रदर्शन नहीं दिखा पाते। बता दें कि केएल राहुल पिछले कुछ दिनों से बेकार फॉर्म से जूझ रहे हैं। वहीं अगर इस मैच में उनसे एक उम्मीद करी जा रही थी कि केएल राहुल इस मैच में अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन इस मैच में भी एक बार फिर केएल राहुल नाकामयाब रहे। बता दें कि केएल राहुल ने 13 रन बनाकर ही आउट हो गए। वहीं अगर विराट कोहली की बात करी जाए तो विराट कोहली ने रेस्ट के बाद वापसी इतनी अच्छी खासी नहीं करी, उन्होंने महज 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। ऋषभ पंत ने इस मैच में अच्छा खासा अपना प्रदर्शन दिखाया, उन्होंने 15 बॉलों में 20 रन बनाए। वहीं अगर दिनेश कार्तिक की बात करी जाए तो दिनेश कार्तिक इस मैच में भी एक बार छा गए, उन्होंने 30 रन बनाए 13 गेंदों में। बता दें कि दिनेश कार्तिक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने भारतीय टीम को जीत के करीब ले जाकर छोड़ दिया था। वहीं अगर कृणाल पांड्या की बात करी जाए तो कृणाल पांड्या इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप हो गए। बता दें कि कृणाल पांड्या गेंदबाजी में भी नहीं चल पाए, वहीं बल्लेबाजी में भी कृणाल पांड्या का इतना अच्छा खासा बल्ला नहीं चला। बहरहाल ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले मैचों में भारतीय टीम का कैसा प्रदर्शन रहता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।